आप अपनी आवाज लेके कैसे आगे बढ़ रहे हो और कैसे हर हम सबको अपने साथ जोड़ना चाहते हो? बिल्कुल, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे बांधव है, तो मैं मेरे बाजू के लड़के देख के आँख मारा करती थी, क्योंकि मैं उसे कभी मेरा भाई मानती नहीं थी और वो मुझे बहन नहीं मानता था। इसी तरीके से आप सभी लोग, हम लोग स्कूल में पढ़े, पुल्लिंगी स्त्रीलिंगी नपुंसकी लिंगी, पर हम में से किसी ने भी हमारे गुरुजनों को नहीं पूछा होगा कि नपुंसकी का लिंगी का अर्थ क्या है। मेरी पहचान, मेरी शुरुआत वहाँ से हुई थी। मैं खुद को समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं क्या हूँ। और जब हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते कि जेंडर डिसऑर्डर या हर्मोफोडाइट या ट्रांसजेंडर, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था, मेरे घर वालों को भी नहीं समझ रहा था। इसका मतलब आज तक ये रहा कि हमारे बीच हमेशा दूरी रही है, और वो कहीं ना कहीं मेरे जहन और हमेशा रहा है कि फैमिली से दूर। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैंने एक हाथ का अंतर सभी से लिया है, मेरे फैमिली से, समाज से, सभी से। और मेरा एंटायर, अगर आप ट्रांसजेंडर समाज देखोगे, आप हमेशा बोलोगे व्हाई दिस पीपल आर सो लाउड, इतने डार्क क्यों है, इतने अग्रेसिव क्यों है, तो आपको उसके पीछे की गरिमा भी समझनी पड़ेगी कि उसके पीछे का ये उद्रेक है, ये वायलेंस है, क्योंकि हमें हमारे ही परिवार से, मुझे मेरे कई गुरु ने पैदा नहीं किया, मेरे माँ बाप ने पैदा किया, मेरे माँ बाप ने ही मुझे धुतकारा है, मुझसे पहचान छुपाई है, मुझे उनके घर से दूर है, तो वो एक गुस्सा, एक एंगर लेके ही मैं चलती हूँ। पर ये कब तक चलेगा, आपको ये भी समझना पड़ेगा। जब हम पार्ट ऑफ सोसाइटी है, जब आप स्कूल में सीखे हो पुल्लिंगी स्त्रीलिंगी नपुंसकी लिंगी, मुझे आज क्यों सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? Why I have to go and knock the door of Supreme Court? मेरे लिए कोई गर्व की बात नहीं है कि मुझे भारत जैसे देश में, जहाँ पे हमारा इतिहास कहता है कि तृतीय पंथी थे शिव, अगर हमें अर्धनारी नटेश्वर चलता है, विष्णु ने उस जमाने में सेक्सचेंज ऑपरेशन किया था, मोहिनी अवतार किया था, शिखंडी मेरे पूर्वज थे, फिर आज मैं चौराहे चौराहे पे भी क्यों मांग रही हूँ, आप मुझसे दूर क्यों कर रहे हो? ये सवाल के लिए मैं 2014 में जब सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई इतनी आसान नहीं थी, आप समझने की कोशिश करो, तब मुझे लगा कि जब मेरी ज़िंदगी में एक बच्ची आई, तब मुझे लगा कि मुझे इसे लीगली अडॉप्ट करना है। तब मुझे सामने वाला किया, तुम कैसे अडॉप्ट कर सकते हो कि तुम्हारी खुद की कोई पहचान नहीं है? उस वक्त मेरी जर्नी चालू हुई थी।